हेलो बच्चों हाउ आर यू टुडे वी टीच चैप्टर फोर्टीन रुपीज एंड पैसा सो नाउ स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं कोई भी समस्या होती है तो, तो ये चैप्टर क्लास थर्ड का चैप्टर फोर्टीन रुपीज एंड पैसा सबसे पहले अपने को समझना रुपीज एंड पैसा ओके सब फर्स्ट और क्यों वन रुपीज वन रुपीज इज इक्वल टू वन रुपीज इक्वल टू हंड्रेड पैसा यानी में कितने पैसे टू हंड्रेड पैसा हो जाएगा अब जितने होंगे उतने ही पैसा हो जाएंगे वन में हंड्रेड होता है तो फाइव में फाइव हंड्रेड अब आपको पहले से बताता हूँ कि रुपीज को पैसों में चेंज कैसे करते हैं और पैसों को रुपीज में कैसे चेंज करते हैं फर्स्ट ऑल ऑफ यू जैसे मैंने यहाँ लिख किया सेवन रुपीज सॉरी फाइव रुपीज अब फाइव रुपीज इसको पैसों में चेंज करना था, क्या करना आपको फाइव लिखा पीछे टू जीरो लगा देना ये रुपये थे ये पैसों में चेंज हो गया ठीक है तो रुपीज को कोई भी पैसों में चेंज करना आप जैसे यहाँ मैंने दिया वन हंड्रेड रुपीज है आपके पास इसको पैसों में चेंज करना तो वन हंड्रेड लिख दीजिए और पीछे दो जीरो लगा दीजिए ये हो गया वन रुपीस में देखो आपको पता है हंड्रेड पैसा होता है फाइव में फाइव हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड में थाउजेंड पैसा हो जाएगा अब आपको ये तो सीधे समझ में आ गई कि रुपीज होता है उसको पैसों में चेंज करना नाउ चेंज पैसा सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखता हूं पैसा यहाँ पे वी राइट इी हंड्रेड फिफ्टी पैसा कितना है थ्री हंड्रेड फिफ्टी पैसा है तो इसको रुपीज में चेंज करने के क्या करना आपको पीछे से वन टेंस टू नंबर काउंट करने और यहाँ पॉइंट लगा देना डॉट लगा देना तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री रुपीज एंड फिफ्टी पैसा पॉइंट के आगे वाले रुपीज होंगे और पीछे वाले पैसा होगा मैंने यहां लिख दिया वन थाउजेंड पैसा अब इसको रुपीज में चेंज करना तो देखिए वन थाउजेंड है इसके पीछे से दो नंबर काउंट करना वन और टू यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट इधर वाले पैसे जीरो जीरो रुपये कितने हो गए टेन रुपीज़ तो इस टाइप से आप रुपीज एंड पैसों को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन ये समझेंगे कि रुपीज और पैसों को कैसे चेंज करते हैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपने मैंने यहाँ लिख दिया टू रुपीज एंड फिफ्टी पैसा अब इसको पैसों में चेंज करना तो ये जो दो बता दीजिए आप लिख दोगे टू हंड्रेड फिफ्टी पैसा ठीक है वापस ये रुपीज पैसा इसको रुपीज में चेंज करना वन और टू यहां लगा आगे वाले हो पीछ 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 हो गए और पैसा अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए बट मेरे पास कोइन डालने लिए पर्स नहीं है तो ये क्या लेट्स मैं क्या मनी पर्स अब कैसे आपको पेपर सीट लेनी ले है इस टाइप की पेपर सीट ले, ले लिया आपने फिर उसको क्या करना बीच में से फोल्ड कर देना फोल्ड कर दिया फिर सेकेंड में फोल्ड द टू कॉर्नर अब ये फोल्ड करने के बाद ये दो कॉर्नर इधर वाले इसको फोल्ड करना है और बी को और फिर इसको अंदर दबा देना इस टाइप से बन जाएगा ठीक है फिर लुक लाइक देर बन गया ना इनटू फोल्ड, फोल्ड द टॉप पार्ट ऑफ द सीट फिर ऊपर वाला पार्ट है उसको फोल्ड करना है किसमें करना? करना है नीचे करना है सो देयर द बैक ऑफ द सीट लुक लाइक दिस फिर इस टाइप से दिखने लग जाएगी फिर नेक्स्ट है एंड द फ्रंट लुक लाइक इस आगे का पार्ट ऐसे दिखाई देगा इस टाइप से अपन देखो ये बन गए ए बी सी दिस टाइप से ना प्लेस द फ्रंट ऊपर वाला दबाना साइड ऑफ द सीट अप एंड फोल्ड द एक्स और किनारे उसको दबा देना सी डी एंड ई एफ द मीट द रोटेटेड लाइन अब क्या करना इनको जैसे ये बनाया उसके बाद ये लोटेड लाइन बना नाउ इट लाइक इस टाइप से आपका एक प्लस बन जाएगा और इसमें आप क्या डाल सकते हो फोल्ड डाउन द टॉप अलॉन्ग द रोटेड लाइन सो देिगर्स नाउ लुक लाइक दिस और इस टाइप से बन जाएगा फोल्ड द्लिप डाउन एंड द दा मनी पर्स इस से अपने एक पर्स बना सकते हैं उसके अंदर मनी कलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप बनाते हो स्टूडेंट छोटे छोटे चाय जाते हैं वो पर्स बना के मनी उसमें कलेक्ट करते हैं अब देखिए फिर ये मनी कलेक्ट के दास हैं अब आपको देखना है कि एक और एक्टिविटी कर सकते हैं आपको पास जैसे अभी प्रजेंट टाइम देखो वन रुपीज से चलना स्टार्ट होता है ट्वेंटी फाइव पैसा भी नहीं चलता है फिफ्टी पैसा भी नहीं चलता है वन रुपीज़ है ये टू रुपीज़ कोई नहीं फाइव रुपीज़ का क्यों नहीं अब क्या करना है अगर अपने को पता है वन रुपीज़ में हंड्रेड पैसा होता है ठीक है हंड्रेड का हाफ कितना होता है फिफ्टी तो अगर दो पचास पचास के कोई नहीं, आप पचास पचास पैसे के कोई नहीं आपके पास तो उन दोनों को मिला के कितना बन जाएगा वन रुपीज़ ठीक है अब देखो आपको सबको ये या याद रखना है कि वन रुपीज इजकुल टू हंड्रेड पैसा तो आपके पास ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पैसे कितने कोईन है ट्वेंटी फाइव पैसे ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव पैसे के कोईन होंगे तो आपके पास फिफ्टी पैसा हो जाएगा अगर थ्री ट्वेंटी फाइव पैसे कोई ना तो सेवेंटी फाइव पैसा हो जाएगा तीनों को प्लस करें अगर फोर ट्वेंटी फाइव कॉइन है तो वन हंड्रेड पैसा हो जाएगा आपको पता वन हंड्रेड पैसा हो गया तो वन हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू वन रुपीज क्योंकि अपने वन और जीरो पीस इसको पैसा पैसे दे रखे हंड्रेड पैसा इसको रुपीज में चेंज करना वन टू पीज डिकाउंट किया या डोट लगा दिया तो आगे वाले वन रुपीज हो गए पीछे वाले जीरो जो पैसे हो गए ठीक है अब आपको एक, एक कलेक्ट डिफरेंट कॉइंस आप अलग अलग टाइप से कॉइंस कलेक्ट करते ही आप अच्छे सारे कीप ए कॉइन ऑन द फ्लैट टेबल प्लेस ए कीप पेपर ऑन इट अब क्या करना जैसे आपने एक कॉइन लिया

द right, पेपर राइट रब द टिप ऑफ द पेंसिल कवर द पेपर शॉपली द ट्रेस द कोइन आप क्या करो ऊपर पेपर रख के अपनी पेंसिल उसके ऊपर ऐसे घुमाओगे कॉइन के ऊपर तो वो जो सेम उसकी सेप से वो किस पे आ जाए? पे जाएगी कागज पर ड्रॉइंग बन जाएगी सलोली द फेस ऑफ द कोइन विल पी अपेर और उस पर कोई के आप इस टाइप से बना सकते हो कट आउट द ट्रेसिंग कॉइन एंड कीप डेम द योर प्रस और इस टाइप से आप कॉइन बना सकते हो सारों को बनाना है फिर इसको काट लोगे इसको अपने पास में रख सकते हो ओके okay, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे नाउ नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर्स एंड राइट द वैल्यू ऑफ द नोट ऑन इच अब आप पेपर से कटिंग कर सकते हो जैसे देखिए आपको नोट्स बताता हूँ ये वन रुपीज का नोट्स है ठीक है ये टू रुपीज का फाइव रुपीज का टेन रुपीज का ट्वेंटी रुपीज का फिफ्टी रुपीज का हंड्रेड का इसके अलावा देखिए टेन रुपीज का न्यू नोट आ गया फाइव का भी आ गया है ट्वेंटी का भी आ गया फिफ्टी का भी आ गया हंड्रेड का भी वो भी नए नोट है जो कि मैं आपको क्लास के टाइम दिखा दूंगा इसके अलावा टू हंड्रेड रुपीज का न्यू नोट आ गया है फाइव हंड्रेड का न्यू आ गया है इसके अलावा टू थाउजेंड का ये अपन जो इंडियन मुद्रा है भारतीय करेंसी चलती है इन टाइप के नोट की अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ आपके पास टेन नोट से टेन टेन के ठीक है तो कितने रुपए जाएंगे टेन टाइम टेन टेन है तो प्लस करेंगे तो आपके पास हंड्रेड रुपीज हो जाएंगे उसी तरह अब अगर आपके पास वन वन रुपीज़ के फाइव नोट है तो टोटल कितने हो जाएंगे फाइव रुपीज इस टाइप से आप नोट को चेंज कर सकते हो ये इंडियन करेंसी है ठीक है अब देखो मनी गेम्स अब आप गेम कैसे खेल सकते हो मनी के साथ में यूज नोट एंड कॉइन टू शो द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन आल्सो कीप सम मनी इन योर पर्स यू आपने जो नकली नोट बनाया वो अपने पर्स में डाल के गेम खेल सकते हो अब देखो यहाँ क्या है आप वो रुपीज को कैसे काउंट करते हैं या प्लस करते हैं एडिशन तो इधर लिख दीजिए रुपीज इधर लिखिए पैसा पैसा के नीचे पैसा लिखना और रुपीज के नीचे देखो सबसे बड़ा नोट कौन सा ट्वेंटी है तो यहाँ पे ट्वेंटी रुपीज लिख दिए पैसा यहाँ पे बीच में डॉट लगा दो पैसा कुछ नहीं है तो पैसा यहाँ जीरो जीरो लगा दो क्योंकि दो नंबर के बाद लगा अब फाइव रुपीज़ है यहाँ फाइव लिख दिया रुपीज़ और पैसा कुछ नहीं है जीरो जीरो अब देखिए यहाँ फिफ्टी पैसा यहाँ फिफ्टी पैसा यहाँ फिफ्टी लिख दो यहाँ पे भी फिफ्टी लिख दो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो कर लो अब प्लस कर लो कितने रुपीज़ है देखो जीरो फाइव और फाइव टेन का जीरो कैरी का वन हो गया तो यहाँ जीरो फाइव और वन सिक्स हो गया यहाँ टू तो इधर वाले तो रुपीज हो गए कितने रुपीज हो गए ट्वेंटी सिक्स रुपीज हो गए और पैसे इधर वाले कितने हो गए जीरो जीरो क्योंकि फिफ्टी और फिफ्टी कितना होता है फिफ्टी और फिफ्टी पचास पैसे पैसे हो गया जीरो तो जीरो तो इनको प्लस किया ट्वेंटी सिक्स हो गया तरह दूसरा देखते हैं अपन यहाँ लिखा है फोर रुपीज एन फाइव पैसा तो अपन क्या कर सकते हैं वन वन रुपीज के कितने फोर कॉइन हो सकते हैं वन वन रुपीज कितने हो गए फोर कॉइन हो गए और सेवेंटी फाइव पैसा है तो एक हो गया फिर पचास पैसे का ये वन रुपीज़ वन रुपीज़ वन रुपीज़ और वन रुपीज़ ये फोर तो वन वन रुपीज़ के हो गए इन फोर रुपीज़ हो गए अब सेवेंटी फाइव पैसा एक पचास पैसे का हो गया फिर एक पच्चीस पैसे का तो इन चारों को प्लस करेंगे इन सबको तो आ जाएगा अपने पास फोर रुपीज़ एंड सेवेंटी फाइव पैसा उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान लिखा सेवनटी एट रुपीज़ सेवेंटी एट क्या करेंगे अपन दो तीन तरीके एक तो पचास रुपये का नोट हो गया प्लस बीस का नोट हो गया प्लस एक फाइव का नोट हो गया प्लस एक टू रुपीज़ का कोइन हो गया प्लस एक वन रुपीज़ का कोइन इनको प्लस करते हैं फिफ्टी और ट्वेंटी सेवेंटी 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 फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन एवन सेवेंटी एट रुपीज़ हो गए उसी तरह नेक्स्ट वन हंड्रेड ने थर्टी है तो आप हंड्रेड रुपीज़ का एक नोट ले लीजिए या तो तीन थ्री नोट टेन टेन के ले लीजिए या सिक्स नोट फाइव फाइव के लीजिए या वन ट्वेंटी का नोट ले लीजिए और प्लस वन टेन का ले लीजिए तो अपने पास हो जाएगा वन हंड्रेड थर्टी रुपीज़ उस इतने एट रुपीज़ एंड सेवेंटी पैसा तो एक फाइव रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए या तो थ्री वन वन के ले लीजिए या वन पॉइंट टू रुपीज़ का और वन पॉइंट वन रुपीज़ का प्लस सेवेंटी फाइव पैसा है या तो थ्री कॉइन ले लीजिए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पैसे का अदरवाइज वन कॉइन लीजिए फिफ्टी पैसे का प्लस वन पे कॉइन ट्वेंटी फाइव का पैसा इनको प्लस करोगे तो एट रुपीज एट पॉइंट सेवेंटी फाइव आ जाएगा एट रुपीज का आप इन नोट्स को लिख सकते हो काउंट कर सकते हो ओके इस टाइप से आप कागज से बना के भी नोट बना सकते हो और एक्टिविटी कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या करना है राइट द अमाउंट ऑफ मनी सोन बाय द नोट्स एंड स्कोन अब इनको काउंट करना टोटल कितना होता है देखो ये फिफ्टी प्लस ट्वेंटी इधर लिख लिख के कर सकते हैं आप वही सेम तरीका इधर लिखना है आपको एक साइड में रुपीज लिखेंगे एक साइड में पैसा ठीक है फर्स्ट इधर का इधर लिख दिया मैंने रुपीज इधर पैसा ये रुपीज कितने फिफ्टी पैसा कितना है जीरो जीरो इस टाइप से आपको लिखना है अब यहाँ ट्वेंटी रुपीज है बड़े नोट ये होगा पैसा अब टू टू रुपीज़ के कितने कोने वन टू थ्री थ्री कोने इन्हें टू टू रुपीज़ के ठीक तो है तो थ्री जो कितना है सिक्स तो एन सिक्स रुपीज़ लिख देंगे पैसा कितना है जीरो जीरो ओके अब भाई अपने पास ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के टू के तो 25, 25, 50, 50 है तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी यानी पचास पैसे अब इनको प्लस कर लीजिए यहाँ रहा हूँ मैं प्लस कर देखो जीरो 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 फाइव का फाइव फिफ्टी पैसा आ गया पॉइंट लगा जब रुपीज़ करते हैं सिक्स आ गया फाइव और टू सेवन तो अपने पास सेवेंटी सिक्स रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इसका आंसर आ गया ओके अब उसी तरह इसको क्लस करते हैं ये हंड्रेड का फिफ्टी और फिफ्टी कितना आ गया वन हंड्रेड वन तो इसको लिख दिया अपन वन हंड्रेड वन रुपीज इसको वन इसको आप इस पर तो लिखते हो ये नंबर लिखा इसको आप इस तरह से लिखते हो ए सी वीई एन सेवन टी सेवेंटी सिक्स था सेवनटी सिक्स रुपीज एन फिफ्टी पैसा तो सेवनटी सिक्स सिक्स लिख आगे लिख दोगे रुपीज और पैसा कितना है फिफ्टी तो लिख दोगे एफ आई एफ टी वाई फिफ्टी पैसा से हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इनको काउंट करते हैं देखो इस प्लस कर सकते हैं थर्टी और वन थर्टी वन हो गया अब इन दोनों को मिलाया थर्टी टू हो गया ये दोनों को मिला थर्टी थ्री इन दोनों को मिला थर्टी फोर थर्टी फोर तो यहां तक हो गया अब देखो ट्वेंटी फाइव तो ये कितना इनको तो ये बचा वन टू थ्री फोर फाइव यानी फोर कोइन मिला के वन रुपीज आ जा जाएगा प्लस वन कर लो फिर उसके बाद यहाँ ट्वेंटी फाइव पैसा ये राय बच गया और सेवन फिफ्टी है तो प्लस सेवनटी फाइव पैसा हो गया तो प्लस करेंगे अपन इसको बनाए देखो थर्टी फोर और वन कितना लिखेंगे थर्टी फाइव रुपीज आ जाएगा और सेवनटी फाइव पैसा आ जाएगा ठीक है ये आगे वाले रुपीज हो गए और पीछे वाले से हो गए उसी तरह नेक्स्ट काउंट करते हैं नेक्स्ट देखो यहां तक ये पूरा काउंट करना कौन सा ये पूरा अपने को काउंट करना कितना हो है ठीक है तो अच्छी तरह से देखना अपने को देखिए फाइव हंड्रेड रुपीज का नोट पूरा ना जो बंद हो गया है तो देखो प्लस करना यहां पे लिख रहा हूं रुपीज इधर में लिखता हूं रुपीज हो गया यहाँ पैसा हो गया यहाँ फाइव हंड्रेड रुपीज है पैसा जीरो जीरो है उसके बाद हंड्रेड का ये हंड्रेड रुपीज़ है पैसा जीरो जीरो है उसी तरह फिर फिफ्टी रुपीज का पैसा जीरो जीरो टेन, टेन पैसा जीरो जीरो है उसके बाद फाइव रुपीज का नोट है पैसा जीरो जीरो है उसके बाद टू रुपीज का नोट है पैसा जीरो जीरो है पहले अपन रुपीज को प्लस पहले इनको प्लस कर ले तो फिर पैसों को कर लेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ जीरो जीरो आ गया अब इनको प्लस करते हैं फाइव 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 टू सेवन फिर तो इसके बाद जीरो जीरो सिक्स सिक्स वन हो गया नेक्स्ट वन और फाइव सिक्स हो गया तो रुपीज तो आ गए सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन अब पैसों को प्लस करते हैं यहाँ पे कॉइन भी और है, देखो कॉइन सारे करते हैं देखो टू टू फोर फोर ये फाइव का और हो गया ये वन रुपीज का टेन ये इलेवन इलेवन रुपीज और हो गए अब पैसों को काउंट कर देखो फिफ्टी फिफ्टी पैसों के कितने कॉइन है अपन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन रुपीज सेवन है फिफ्टी पैसे का तो एक दो पैसे दो कॉइन मिला के फिफ्टी पैसों का वन रुपीज होगा तो सेवन का हो जाएगा थ्री रुपीज एंड फिफ्टी पैसा अब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव काउंट करते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन वापस काउंट कर लेते हैं एक बार देखिए आ गया अपना थ्री रुपीज एंड फिफ्टी पैसा तो कहावन इंटू ट्वेंटी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने पास आ जा जाएगा टू हंड्रेड सेवनटी फाइव टू हंड्रेड सेवनटी फाइव है ये पैसा इसको रुपीज में चेंज करना तो, तो पॉइंट लगा दीजिए आ गया टू रुपीज एंड तो अब प्लस कर लेते हैं इन सारों को देखो इलेवन रुपीज ये थ्री पॉइंट फिफ्ट पैसा हाँ, ये टूअप प्लस करते हैं देखो फाइव फाइव और सेवन ट्वेल्व का टू कैरी का वन वन और वन टू टू और थ्री फाइव फाइव और टू सेवन डॉट लगा देना ठीक है तो सत्रह रुपये वन और इक्मेंट दोबारा कर लेते हैं एक बार इसको देखिए फाइव का फाइव गया सेवन का सेवन आ गया उसके बाद यहाँ डॉट लगा इधर पैसे हो गए कैरी का वन बच गया देखो यहाँ वन कर लेते वन और टू वन और वन टू टू थ्री फाइव फाइव और टू सेवन और वन तो सत्रह रुपए और पच्चीस पैसे हो गए इसमें ये प्लस कर लो हंड्रेड सिक्सटी सेवन ये रुपीज़ है पैसा कितना है जीरो जीरो है ठीक है तो इसमें सत्रह इधर प्लस कर लो और पैसे कितने ट्वेंटी फाइव तो इधर ट्वेंटी फाइव पैसा लिख दिया और रुपीज़ कितना है सेवन ऑनरे सेवन फोर्टी का फोर के जी का वन हो गया सिक्स ओर वन सेवन सेवन ओर वन एट हो गया और सिक्स का सिक्स तो सिक्स हंड्रेड एट्टी फोर रुपीज़ एंड ट्वेंटी फाइव पैसा आ गया इस टाइप से आप इसको प्लस कर लोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इनको प्लस करते हैं अपन ये देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन प्लस कर रहे हैं कंटिन्यू सीक्वेंस हंड्रेड वन हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड हंड्रेड सेवनटी सिक्स वन हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव पैसा तो लिखेंगे 177 एंड ट्वेंटी फाइव पैसा इस टाइप से अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब शॉपिंग एक देखो शॉप दे है आपको खरीदना है कि कौन सी चीज की क्या प्राइस है कौन सी चीज की क्या प्राइस है ठीक है वो देखना अपने को तो देखते हैं अपन क्या दे रखा है सब लिस्ट चीजों की प्राइस दे रखी है वन बॉल की है उसके बाद कार की दे रखी है टॉयज की दे रखी है जिराब की दे रखी है बॉल्स की दे रखी है बुक्स की दे रखी है हर चीज की प्राइस दे रखी है अब आपको पूछ रखा है कैन यू विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर आपको सेल्फ सर्विस स्टोर जाना और देखना है राइट यूजिंग द पेंसिल और पेन पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द देखो वन बॉल एंड वन टॉय कार वन बॉल और वन टॉय कार कितने के वन बॉल के देखो सेवन रुपीज़ है और टॉय कार के कितने हैं प्लस फिफ्टीन सेवन और फिफ्टीन कितना हो गया ट्वेंटी टू रुपीज़ तो टोटल ट्वेंटी टू रुपीज़ देंगे इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड है वन नोट बुक एंड टू पेंसिल्स वन नोट बुक की क्या प्राइस है नोटबुक देखते हैं ये रि नोटबुक फाइव रुपीज़ है प्लस टू पेंसिल लेनी है पेंसिल की वन पेंसिल की क्या प्राइस है पेंसिल देखेंगे कहाँ पे ये अभी टू पॉइंट फिफ्टीन दो रुपये और पचास पे दो दो लेनी है दो दो चार पचास फाइव रुपीज़ फ़ाइव प्लस फाइव इस बोल टेन तो रुपीज़ दे देंगे अपन इसका आंसर टेन हो गया फिर टू बनाना एंड वन ग्लास मिल्क अब वन बनाना की क्या रेट है वन वन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा है तो दो लेने तो वन पॉइंट फिफ्टी प्लस वन पॉइंट फिफ्टी कर लेंगे कितना आएगा ज़ीरो फाइव और फाइव टेन की टेन का जीरो कैरी का वन पॉइंट लगा है टू वन थ्री तो बनाना में कई रुपये लग जाएंगे थ्री और उसके बाद क्या लेना वन ग्लास मिल्क वन ग्लास मिल्क के कितने रुपए लगते हैं ये रहा थ्री रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा तो थ्री रुपीज़ है इधर फिफ्टी पैसा प्लस कर लीजिए जीरो फाइव यहाँ पॉइंट लगा दे थ्री और सिक्स तो टोटल देना पड़ेगा सिक्स रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा तो यहाँ आ जाएगा सिक्स रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा उसी तरह नेक्स्ट है वन डॉल एंड वन बॉल वन डोल की क्या प्राइस है डोल देखेंगे एट रुपीज़ वन बोल सेवन सेवन रेड कितना हो जाएगा फिफ्टीन रुपीज़ आ जाएगा टोटल इसका उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है वन ग्लास लेमन जूस एंड वन पैकेट ऑफ़ बिस्किट्स वन पैकेट बिस्किट है फोर रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा ठीक है और लेमन जूस का है थ्री रुपीज ये थ्री रुपीज हो गए पैसा जीरो जीरो हो गया प्लस कर लो जीरो फाइव थ्री और फाइव सेवन तो टोटल लग जाएगा सेवन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर लोगे ठीक है अब इसमें से देख के नीचे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वन करते हैं अपन इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब देखिए इसमें देखना फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ वन टॉय, जिराफ वन कॉपी एंड ए ग्लास ऑफ लेमन तीनों को प्लस करना देखो वन टॉय लेना कौन सा जिराफ का ये रहा देखो जिराफ को तो उसके लगते हैं अपन सिक्स रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इनको प्लस करना प्रॉपर ठीक है सिक्स रुपीज एंड फिफ्टी पैसा ये तो हो गया जिराब टोएगा वन कॉफी के कितने रुपए लगते हैं कॉफी के एट रुपीज़ तो यहाँ एट रुपीज़ लिख दिए पैसा इधर जीरो जीरो लिख दिए उसके बाद वन ग्लास लेमन ये रहा वन ग्लास लेमन का थ्री रुपीज़ ये थ्री रुपीज़ हो गया पैसा जीरो जीरो हो गया अब इनको प्लस कर लीजिए जीरो फाइव सिक्स और एट फोर्टीन फोर्टीन और थ्री सेवनटीन यहाँ डॉट जैसे लिखा दे तो सेवनटीन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल सेवनटीन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा ओके एरव गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन वन ग्लास ऑफ मिल्क वन ग्लास ऑफ मिल्क ये रहा वन ऑफ ग्लास मिल्क ने थ्री रुपीज यहाँ कर रहा हूँ थ्री रुपीज एंड फिफ्टी पैसा लगता है उसके बाद है, टू पेंसिल सॉरी वन ग्लास ऑफ मिल्क वन पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड ए बनाना वन पैकेट ऑफ बिस्किट्स ये रहे वन बनाना के तो कितने वन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा एंड बिस्किट कहाँ गई ये जीरो बिस्किट फोर रुपीज़ एंड फिफ्टी पेशा इन सब को प्लस कर लेते हैं ज़ीरो फाइव फाइव टेन फाइव फिफ्टीन का फाइव कैरी का वन हो गया फोर थ्री और वन फोर फोर वन फाइव फाइव फोर फोर नाइन तो टोटल हो तो 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 जाएगा नाइन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा तो इसका आंसर आ गया नाइन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा उसी तरह नेक्स्ट करते हैं वन नोटबुक वन नोटबुक का क्या रेट है एट रुपीज़ है एट में प्लस करना है टू पेंसिल टू पेंसिल ले देखो एट तो हो गए नोटबुक के प्लस अब पेंसिल का पैसा कितना है जीरो जीरो अब अपने वन नोटबुक टू पेंसिल्स ये रही पेंसिल वन रुपीज़ वन पेंसिल के लगते हैं टू रुपीज फिफ्टी पैसा तो डबल कर दिए टू हंड्रेड फिफ्टी टू पॉइंट फिफ्टी टू पॉइंट फाइव रुपीज तो फाइव रुपीज़ हो गए पेंसिल के उसके बाद है टू इरेजर ये रे इरेजर इरेजर वन के वन रुपीज लगते टू के कितने हो तो जाएंगे टू रुपीज तो प्लस कर लीजिए टू पैसा जीरो 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 पैसा हो गया डॉट लगा दीजिए फाइव और ए थर्टीन थर्टीन और टू फिफ्टीन पंद्रह रुपए और जीरो जीरो पैसा तो इसका जाएगा पंद्रह रुपए एंड जीरो जीरो, जीरो पैसे ठीक है इसको इरेज कहता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टॉपीज वन टॉपी की ट्वेंटी फाइव जीरो पॉइंट फिफ्टी पैसा तो देखिए जीरो पॉइंट फिफ्टी पैसा है तो देखिए इधर पैसा कितना है रुपीज़ कितना है ज़ीरो जीरो पैसा कितना है फिफ्टी वन के तो टू है तो जीरो पॉइंट दो टाइम टू टाइम प्लस कर लो ठीक है उसके बाद है टू टोप्स तो टोप यानी टोप्स है नहीं लट्टू ये देखो ऊपर वाले ये टू टोप्स है वन टॉप्स के टू रुपीज़ लगते हैं तो टू के कितने हो जाएंगे फोर रुपीज़ हो जाएंगे रुपीज़ फ़ोर हो गया

तो आंसर हो जाएगा एट रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इसका आंसर आ गया ठीक है आप चलते हैं वाट यू वाट कैन यू बाय इफ यू हैव ए ट्वेंटी रुपीज नोट क्या अब आपके पास ट्वेंटी रुपीज़ का नोट है क्या ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें खरीद सकते हैं वो देखते हैं अपन देखिए वन टॉय कार वन टॉय कार के कितने रुपए लगते हैं फिफ्टीन रुपीज वन लेमन के वन लेमन के लगते हैं रुपीज। वन लेमन जूस हो गया और वन बनाना का तो प्लस कर देते हैं देखो टॉय कार के कितने रुपए लगते हैं फिफ्टीन हो गए टॉय कार का प्लस लेमन जूस है लेमन जूस के तीन रुपए हो गए फिफ्टीन प्लस एटीन प्लस वन बनाना है तो वन पॉइंट फाइव रुपीज इसके हो गए वन प्लस करते हैं फिफ्टीन और थ्री एटीन एटीन और नाइनटीन तो नाइन्टीन रुपीज़ और फिफ्टी पैसा तो अपन ख़रीद सकते हैं क्योंकि अपने पास बीस रुपये का है अब देखो टोटल बीस रुपये हो रहे हैं ये बीस रुपये हो गए और उसने सॉफ्टीपर कितने उन्नीस रुपये पचास पैसे यहाँ बीस रुपये हो गए पैसा इधर कर लो जीरो जीरो इसमें से माइनस निकालना है यहाँ फिफ्टी पैसा लिख दो ये अंदर रुपीज़ कितना है नाइन्टीन अब माइनस निकालते हैं कैसे निकालते हैं इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ ठीक है जीरो में से जीरो गया जीरो अब यहाँ जीरो है जीरो में से जीरो गया जीरो या जीरो इसे केरी लिया या टेन हुआ इसे एक बोरो लिया सो कैरी क्या बोरो लिया या हो गया टेन हो गया इसे इसने लिया टेन फाइव में से फाइव गया टेन में से फाइव गया, गया फाइव बच गया पीछे यहाँ नाइन बच गया नाइन में से नाइन गया जीरो बच गया और वन में से वन गया तो लेफ़्ट कितने बचेंगे फिफ्टी पैसा बचेगा उसके पास लेफ्ट अब चलते हैं नेक्स्ट कैश सर्विस अपन जैसे खरीदते हैं तीनों का अब उसको कैसे बनाते हैं देखो आइटम क्या क्या लिए थे अपने वो बताते हैं देखो आइटम है टॉय टोई टॉय लिख दिया वन ठीक है, है पर आइटम फिफ्टीन रुपीज है अब उसका रेट कितना लिखोग पंद्रह रुपीज लिखोगे एक लिया है और पैसा क्या लिखोगे जीरो जीरो उससे लेमन जूस है यहाँ जूस लिख देना है क्या रेट है थ्री रुपीज़ है ठीक है कितना लिया वन लिया पैसा कितना होगा जीरो जीरो उसके बाद क्या लिया वन बनाना वन बनाना का क्या प्राइज है।, है वन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा यहाँ पे वन वन लिखना देखो वन टॉय लिख दिया वन जूस लिख दिया बनाना बनाना कितना है वन है कितना है वन पॉइंट फिफ्टी वन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा है वन पॉइंट फिफ्टी हो गया और यहां पे पैसा लिख दो पचास वन रुपीज हो गया पचास पैसा हो गया तो प्लस करेंगे अपने पास आएगा रुपीज आ जाएगा यहाँ पैसा आ जाएगा फिफ्टी और रुपीज आ जाएगा उन्नीस तो नाइनटी रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इस टाइप से आप कैश मेमो बना सकते हो ठीक है अब नेक्स्ट है यू नीड टू मेक ए कैश मेमो फोर द थिंग्स यू बहुत कुछ आप चीज़ें खरीदते उसके लिए आप केश मेमो बना सकते हैं बिफोर एडिंग फर्स्ट गैस हाउ मच मनी यू नीडेड फॉर फाइन द टोटल टू चेक योर गैस अब आपको करना कुछ बना सकते केश मेमो जैसे मनु प्रिपेयर द फॉलोइंग केस मेमो मनु ने प्रिपेयर किया चेक द केश मेमोस एंड करेक्ट द इफ यू फाइन द मिस्टेक अपने को चेक करना है और अब उसमें कोई गलत है तो अपने को सही करना है केस मेमो मनु ने बनाए देखो वन बॉल है उसकी प्राइस कितनी सेवन रुपीज़ है पैसा जीरो जीरो ठीक है थ्री पेंसिल है ठीक है तो यहाँ पे लिखा है टू रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा तो टोटल तो कितना हो रहा है टू और टू फोर एक पेंसिल के दो रुपये और पचास पैसे तीन कितने लगेंगे तो सिक्स हो गए सिक्स और वन सेवन ये भी सही है फाइव टॉपीज टॉपीज में यहाँ फाइव टॉपीज वन टॉपिक की रेट लिखोगे यहाँ पे पॉइंट फिफ्टी पैसा आप इसको प्लस करते हैं देखो फाइव और फाइव, फाइव जीरो हो गया यहाँ जीरो कैरी करना सेवन और सेवन फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन फिफ्टीन और सिक्सटीन और सेवन तो ये पहले वाला केस में मैं अब दूसरा मिलान करते हैं वन टॉप पर आइटम कितना है पंद्रह रुपये यहाँ पंद्रह लिख दोगे ओके थ्री ग्लास मिल्क तो कितना हो जाएगा थ्री ग्लास नाइन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा तो यहाँ पे होना चाहिए फिफ्टी पैसा तो इसने गलत लिखा यहाँ फिफ्टी पैसा लिखो अपने को उसके बाद है फोर नोटबुक वन की फाइव है तो फोर की इतनी हो जाएगी ट्वेंटी यहाँ पैसा आएगा ज़ीरो ज़ीरो ठीक है अब इसको प्लस करते हैं ज़ीरो फाइव का यहाँ फाइव आ जाएगा यहाँ पर करते हैं देखो फाइव फाइव लिख दिया वन टू टू फोर तो फोर्टी फाइव रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा ये इसमें थोड़ी मिस्टेक थी अपने सही कर दिया फिर लास्ट वाला है वन टॉय कार देखो सिक्स रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा है तो सिक्स के कितने लगेंगे तो अपने को क्या करना वन की प्राइस दे रहे कि सिक्स पॉइंट फिफ्टी इसको अपने सिक्स लेना तो सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए ज़ीरो सिक्स पॉइंट का थर्टी का जीरो तो का थ्री फिर बाद कितना सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और थ्री थर्टी नाइन एक वन और टू वन और टू के बाद पॉइंट लगा दो तो कितना थर्टी नाइन रुपीज लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखा सिक्स रुपीज एंड फिक्स पैसा तो गलत है यहाँ लिखेंगे थर्टी नाइन रुपीज है और पैसा जीरो जीरो होगा यहाँ पे ठीक है फिर दूसरा थ्री पेंसिल तो ये तो सही है वन के टू रुपीज और फिर पैसा तो टू के हो जाएंगे फोर सिक्स सेवन एंड फिफ्टी ये सही है सेवन टॉपिक वन के पचास पैसे लगते हैं तो सेवन के क्या ये भी सही है वन बिस्किट के फोर वन फिफ्टी तो ये भी सही है अब इसको प्लस करते हैं देखो यहाँ पे जीरो जीरो ठीक है जीरो, जीरो पाई 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 तेन तेन पाई का जीरो फाइव फाइव टेन टेन फाइव फिफ्टीन का फाइव कैरी का वन हो गया ठीक है।, है का रिकावन हो गया अब देखें नाइन और वन टेन टेन और सेवन सेवनटीन सेवनटीन और थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फोर यहाँ आएगा ट्वेंटी फोर का फोर कैरी का टू टू और थ्री फाइव तो आंसर आ जाएगा फिफ्टी फोर रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इस तरह तो से आप कैसे नंबर इसको सही कर सकते हो ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट अब एट द फॉलोइंग्स अब आप आपको एडिशन करने हैं कुछ कि किस टाइप से आप कैसे कर सकते हो पानी रुपीज इधर आगे वाले पॉइंट का आगे वाले रुपीज या पीछे वाले पैसे तो जीरो का जीरो फाइप का फाइव यहाँ पॉइंट लगा दो थ्री और फाइव थ्री और टू फाइव का फाइव कैरी का कुछ नहीं होगा वन और वन टू तो ट्वेंटी पैसा हो गया जीरो लगा दिए यहाँ पे फोर और फाइव कितना होता है नाइन तो नाइन का नाइन फाइव और वन सिक्स तो सिक्सटी नाइन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा फिर नेक्स्ट करते हैं जीरो फाइव का फाइव या डेसी लगा दो उसके बाद जीरो करना है इनका टॉव कैसे करते हैं वो करना अपने को ये देखिए फर्स्ट वाला करते हैं अपन सबसे पहले माइनस निकालना आपको पता है बड़ा नंबर होता है जो ऊपर रहेगा छोटा नीचे तो जीरो में से जीरो गया जीरो बच गया फाइव में से फाइव गया जीरो बच गया यहाँ डेसी लगा दो अब फाइव में से वन गया फोर बच गया टू में से वन गया वन बच गया तो फोरटीन रुपीज़ एंड जीरो जीरो पैसे फिर नेक्स्ट है जीरो में से जीरो गया जीरो फाइव में से ज़ीरो गया तो फाइव बचेगा यहाँ डेसिमल्स लगा दो थ्री में से टू गया वन और यहाँ जीरो यहाँ सिक्स इससे कैरी ले लिया टेन वहाँ टेन में सिक्स गया फोर बच गया और यहाँ वन था तो वन के से लिया जीरो का तो फोर्टी वन रुपीज़ एंड थर्टी फिफ्टी पैसे फिर नेक्स्ट है जीरो में से जीरो गया, जीरो फाइव में से फाइव गया फाइव 5 में में से गया, 50 बस गया, दोट लगा नाएं नाएं गया पैसा लगा ऊपर है, और का तो एंड पैसा। इस 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 टाइप से आप आप इसको इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? है अब देखिए केस में ये वाली लिस्ट को इसको को प्राइस देखना है, और वो कंप्लीट करना है। क्या करना है कितने रुपए हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स आपको ये आइटम खरीदने तो कौन से देखो वन बोल वन डोल एंड वन टो जीराक तीस रुपीज है टोटल अपने पास कितने है? थर्टी अब तीनों के अपन रेट देख लेते हैं कितने कितने है? बॉल डोल एंड जीराक बॉल के लगते हैं सेम सेवन, सेवन डोल के रखते हैं एट सेवन एट कितने फिफ्टीन फिफ्टीन और वन क्या लेना अपने को जीरा सिक्स पॉइंट फिफ्टी तो तीनों को प्लस कर लो सेवन रुपीज पैसा जीरो जीरो है एट रुपीज है पैसा जीरो जीरो है उसके बाद वन जीरो आपके सिक्स रुपीज एंड फिफ्टी पैसा तो प्लस कर लीजिए जीरो फिफ्टी और सेवन रेट कितना है, 15? 15 और फिफ्टी तो पैसा तो तीनों अपन परचेज कर सकते हैं तो इसमें अपन लिखेंगे तीनों की कॉस्ट कितनी होगी अपने कोश्ट, कोश्ट हो ट्वेंटी तीनों को प्लस किया था अपने इन तीनों को प्लस किया तो ट्वेंटी वन रुपीज आ गया और फिफ्टी पैसा तो अपने पास टोटल रुपीज कितने थे थर्टी थे तो लेफ्ट कितने बच जाएंगे तो अपने ये लिखेंगे थर्टी रुपीज है पैसा कितना है जीरो जीरो डॉट लगाना ठीक है ना अब देखो रुपीज़ के नीचे रुपीज़ पेसों के नीचे जीरो जीरो या डॉट लगा के या फिफ्टी लिख दो अब अपने पास लेफ्ट कितने बजेंगे फाइव में से फाइव गया जीरो जीरो में से जीरो गया फाइव या जीरो या फाइव से कैरी ले लिया टेन हुआ टेन से फाइव गया फाइव फिफ्टी अब यहाँ पे टेन था एक तो इसने ले लिया और इससे नाइन बजे नाइन में से बन गया एट तो अपने पास लेफ्ट कितने बज गए एट रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा एट रुपीज़ हो गया फिफ्टी पैसा उसी तरह टू बनाना वन पैकेट ऑफ बिस्कुट्स एंड टू ग्लास ऑफ लेमन तो कितना बचेगा अब उस दूसरे को करते हैं क्या क्या, -क्या देखना है? वन तो है बनाना वन पैकेट बिस्किट है और टू ग्लास लेमन जूस है चलते हैं वापस इसको देखते हैं तीनों को ही कंप्लीट करते हैं यहां से देखो तीनों का लिखना अपने को यहां रुपीज लिख देता हूं इधर पैसा लिख देता हूं ठीक है तो उसके पास सबसे पहले क्या था टू ग्लास क्या था लेमन जूस वन के थ्री है तो टू कितने सिक्स रुपीज आ जाएंगे पैसा जीरो जीरो ठीक है बिस्किट का पैकेट कितना था एक मिनट देखते हैं बिस्किट के पैकेट कितने थे वन बिस्किट पैकेट और टू बनाना ठीक है देखिए सबसे पहले रुपीज पैसा टू बनाना टू बना वन के थ्री देखो टू टाइम कर लो सीधा वन पॉइंट वन रुपीज़ हो गया फिफ्टी पैसा हो गया वन बनाना गौर कर लो वन पॉइंट फिफ्टी हो गया टू बनाना का अब टू से थ्री और थ्री सिक्स रुपीज़ क्या हो गए जूस के पैसे जीरो जीरो हो गए उसी तरह वन पैकेट बिस्किट का तो फोर रुपीज़ एंड फोर रुपीज़ हो गए पैसे कितने फिफ्टी अब प्लस कर लो इनको जीरो फाइव और फाइव टेन टेन और फाइव फिफ्टीन का फाइव कैरी का वन वन और वन टू थ्री थ्री और सिक्स नाइन नाइन और फोर नाइन और फोर कितना हो गया थर्टीन तो थर्टीन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा हो गया टोटल अपने पास कितने रुपीज थे थर्टी तो माइनस निकाल लेते हैं थर्टी रुपीज है उसमें पैसा अपने पास जीरो जीरो है माइनस निकालना थर्टी रुपीज और फिफ्टी पैसा वही सेम जीरो है यहाँ से एक बोलो लिया टेन हुआ यहाँ से बोलो टेन में से फाइव गया फाइव यहाँ नाइन बस गया नाइन में से थ्री गया सिक्स बस गया और यहाँ टू में से वन गया तो वन तो कितने लग बस गया यहाँ पे खर्चा लगा था अपने पास तेरह रुपए और पचास पैसे और थर्टी में से लग टे सिक्सटीन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब है थ्री नोटबुक टू पेंसिल एंड टू इरेजर और देखते हैं सी नोटबुक के कितने पैसे लगते हैं नोटबुक के बन के एट लगते हैं तो सी हो गए फाइव लगते हैं सॉरी फाइव पे कम फाइव फाइव टून फिफ्टीन फिफ्टीन तो नोटबुक के हो गए उसके बाद इरेजर कितने टू इरेजर एंड टू पेंसिल है पेंसिल के टू पॉइंट फिफ्टी फाइव टू पीज इनके हो गए देखो फिफ्टीन फिफ्टीन तो हो गए नोटबुक के फाइव हो गए पेंसिल के और टू इरेजर है तो टू रुपीज़ इसके होके प्लस कर लो फाइव ट्वेंटी फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू है ट्वेंटी टू थर्टी में से ट्वेंटी टू माइनस निकाल लो तो सीधा सा इसमें तो तरीका अपने को कुछ नहीं करना है कॉस्ट खर्च कितना हुआ ट्वेंटी टू खर्च हुआ थर्टी में से ट्वेंटी टू माइनस निकाला एट रुपीज लेफ्ट बच गए ठीक है इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा अब प्रैक्टिस टाइम के लिए कुछ क्वेश्चन है थ्री फ्रेंड्स वांटेड टू बाय ए क्रिकेट बॉल एंड बैट तीनों क्या चाहते हैं क्रिकेट बॉल और बैट खरीदना चाहते हैं हम क्या करते हैं बिना हेड अब तीनों अलग अलग देखो क्रिकेट बैट बॉल खेलने चाहिए तो वो क्या करते हैं तीनों कलेक्ट करते हैं कुछ पैसे के अपन तीनों मिलके खरीद के लाते हैं तो तीनों मने कलेक्ट करते हैं बिना बिना कितने रुपए देती है इधर लिख देते हैं रुपीज इधर लिख देते हैं पैसे बिना देती है फोर्टी एट रुपीज एंड पैसा, थर्टी एट रुपीज एंड पैसा जीरो जीरो तो पूछते हैं तीनों का टोटल कितना पैसा होता तो है आपको इसी टाइप से प्रस करना है रुपीज के नीचे रुपीज निकलना है पैसों के नीचे प्रेस करते हैं जीरो फाइव और फाइव टेन टेन का जीरो का वन हो गया एट और फाइव थर्टीन थर्टीन और ट्वेंटी वन ट्वेंटी और वन एट का ट्वेंटी टू का टू कैरी का टू टू और फोर सिक्स सिक्स और फाइव इलेवन इलेवन और थ्री फोर्टीन कितना हो जाएगा इलेवन और थ्री फोर्टीन वापस चेक कर लेते हैं एक बार जीरो फाइव और फाइव टेन का जीरो कैरी का वन एट और वन नाइन नाइन और फाइव फोर्टीन फोर्टीन और एट ट्वेंटी टू का टू कैरी का टू टू और फोर सिक्स सिक्स और एट 6 और और थ्री फोर्टीन तो टोटल तीनों के मिला के जीरो जीरो तो हरी बुक्ड ए रेलवे टिकट फोर आर एस सिक्सटी टू रुपीज एंड फिफ्टी पैसा अब हरी को क्या करना रेलवे टिकट बुक करवाना है तो टिकट के कितने रुपए लगे सिक्सटी रुपी, रुपी रुपीज एंड फिफ्टी पैसा ही गए हंड्रेड रुपीज नोट वो वहां पर टिकट

फिर से यहाँ लिया टेन हो गया फिर से में से फाइव गया फाइव यहाँ फिफ्टी पैसा क्योंकि था एक तो लिया फिर नाएन, नाएन में से गया पीछे बच गया सेवन यहाँ पे टेन था एक बोर लिया बोर बचा नाइन में सिक्स गया थ्री और वन तो वन तो उसके पास लेफ्ट वो जो टिकट के साथ कितने रुपए थर्टी सेवन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा वापस देगा टिकट वाला ठीक है इसका आंसर ये हो गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता एंड हर फ्रेंड्स वन टू शॉपिंग ही बॉर थिंग्स फॉर वो कुछ खरीदने जाते हैं गीता और उसके फ्रेंड्स ठीक है तो क्या कुछ चीज़ें खरीदते हैं क्या कितने रुपए देखो कितने में क्या क्या खरीदते हैं वो देखते हैं वही से हम इधर रुपीज लिख दीजिए इधर पैसा लिख दीजिए एक चीज फिफ्टी एट में खरीदते हैं पैसा जीरो जीरो है दूसरा थर्टी सेवन में ख़रीदते हैं पैसा जीरो जीरो है और तीसरा ट्वेंटी टू में खरीदते हैं और, और पैसा जीरो जीरो ये हो गया गीता हैड हंड्रेड रुपीज़ नोट हाउ मच मनी शुड बी बोरो फ्रॉम द दिस फ्रेंड टू पेर बिल अब उसके पास कितना हंड्रेड रुपीज़ का टोटल इतना सामान खरीद लेती है और हंड्रेड रुपीज़ के पास है तो फ्रेंड्स से कितने पहले इनको टोटल कर देते हैं जीरो जीरो पैसा आ गया रुपीज़ एट और सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन और टू सेवनटीन का सेवन कैरी का वन वन फाइव और वन सिक्स सिक्स और थ्री नाइन नाइन और टू इलेवन इलेवन का एलेवन तो उसके पास टोटल हंड्रेड रुपीज़ थे लेकिन उसने सामान कितने का खरीद लिया वन हंड्रेड सेवनटीन का तो वन हंड्रेड है हंड्रेड रुपीज तो उसके पास थे फ्रेंड से कितना लेगा पैसा जीरो जीरो है तो हंड्रेड माइनस निकाल लीजिए जो बच्चे का वो फ्रेंड से उधार ले लेगी तो फ्रेंड से कितना लेगी देखो जीरो जीरो सेवन वन वन, वन मिस वन तो सत्रह रुपए उससे अपने फ्रेंड से क्या लेगी लेगी और उसको पे करेगी टोटल पे इतना उसने सामान खरीदा था उनको प्लस कर लिया 117 आ गए 117 हंड्रेड थे उसमें से हंड्रेड रुपी उसके पास थे तो उसने सॉप कीपुर दे दिया अब बोल रहे और कितने फ्रेंड से उधार लेगी या बोरो लेगी पे करना पड़ेगा तो फ्रेंड से देखो कितने लिए हंड्रेड में से वन हंड्रेड सेवेंटी में से हंड्रेड माइनस कर लगे सेवेंटीन रुपीज सत्रह रुपये में, में फ्रेंड से स्टार्ट लिए उधार लिए और पे कर दिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट है मुंबई न्यूज चिल्ड्रन फ्यूज पॉम्प फैक्ट्री अब क्या होता है आपको पता है छोटे बच्चे फैक्ट्री में कठिन काम कर सकते हैं तो कुछ बच्चों को क्या होता है कम पैसे दे के फैक्ट्री में काम करवा देते हैं ठीक है तो इसके बारे में क्या है टेन यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फेक्ट्री। बेंगल्स फैक्ट्री चूड़ियां बनाकर फैक्ट्री उसमें काम करते हैं वर्सिट फ्री डे ए न्यूज रिपोर्टर एंड द पुलिस फाउंड देम इन एड कंडीशंस द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड फैक्ट्री में बच्चों से बहुत कठिन काम करवा रहे हैं क्योंकि पुलिस को लेकर न्यूज रिपोर्ट रिपोर्ट कही ही पेड ओनली आर एस ट्वेंटी डेज इन बीस रुपये देती है पर डे का और बहुत ही कठिन द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक देयर होम्स बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि वापस कर रहे इन द विलेज अपने गाँव में चले गए दिल गो टू स्पेशल स्कूल शो देट द कैन लर्न टू स्टडी और उसको स्पेशल स्कूल में भेज देगा वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं लाइक अनदर चिल्ड्रन देर एज जहाँ उन्हीं एज के बहुत सारे बच्चे रहते थे बाई मेकिंग चिल्ड्रन वर्क फैक्ट्री ट्राइज टू सेव मनी पुलिस विल नाउट टेक एक्शन क्योंकि अपने आस पास देखते हैं कोई छोटे बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं उनको कम पेक्स दे के क्योंकि उनका वर्क ज़्यादा लोड किया जाता है अब देखो सरकार ने क्या रेट फिक्स करा कि उससे कम दे नहीं सकते हैं तो देखो लेट्स सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव वो कितना बचा रहा देखो मनी वन एल्डर वर्कर गेट यानी एक अच्छा आदमी हो काम करने वाला बड़ा आदमी हो एज में उसको वन डे का कितना मिलता है मिलता है बट बच्चों को कितना दे रहे वन डे का ट्वेंटी रुपीज तो देखो मनी वन चाइल्ड इज पेड ओनली ट्वेंटी रुपीज तो कितना सेव करा है ऑन वन पर्सन ही फैक्ट्री सेव माइनस ट्वेंटी दे रहा है तो ट्वेंटी माइनस निकाल दिया तो सिक्सटी फाइव तो के पीछे वो एक दिन में कितना कितना बचा अब 10 बच्चे हैं तो कितना होगा? 65 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन डे में सिक्स हंड्रेड फिफ्टी छह सौ पचास रुपए वो बचा लेगा ठीक है इस टाइप से ये हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट इन योर एरिया देर आर शॉप्स और फैक्ट्रीज वर यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क टॉक टू सम्रन हाउ मच आर दे पैडर अब अपन भी आस पास जैसे अपने यहाँ आस पास में देखेंगे ब्रिक्स के बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही है अब ब्रिक्स की फैक्ट्रियाँ आप जाते हो स्कूल आते हो तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं क्या आपने उनको पूछा है कभी कि कितने रुपए कलेक्ट आपको देते हैं पर डे का पूछ के आप इस टाइप से आप उनसे बातें करके इसमें अपन खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितने रुपए की सेव कर रहे हो फैक्ट्री वाले ओके अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अब देखिए एक ट्रेन है उसके बारे में कुछ स्टेशन है उसके बारे में अपने को समझना है कि कौन से स्टेशन का कितना किराया कौन से स्टेशन का कितना किराया अब ट्रेन जर्नी है द ट्रेन गोज़ फ्रॉम न्यू जलपाई टू गुवाहाटी एक ट्रेन है जो कहाँ से स्टार्ट होती है न्यू जलभाईपुड़ी यहाँ न्यू जलपाईपुड़ी से यहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है गुवाहाटी यहाँ से लेके यहाँ टोटल डिस्टेंस है फोर हंड्रेड फाइव किलोमीटर ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया सबको अब देखें ऑन इट्स वे इट स्टॉप्स एट न्यू नु, न्यू माल अलीपुर अलिपु, अलीपुर दूर एंड गोलपाड़ा स्टेशन द कॉस्ट ऑफ रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज गिवन इन टेबल्स अब देखो चार स्टेशन आते हैं देखो यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू माल उसके बाद अलगरदारपुर उसके बाद गोलपक उसके बाद कौन से इन्हें गोलपाड़ा स्टेशन और उसके बाद गुहाटी यहाँ से चल के यहाँ टोटल डिस्टेंस है वो बता रखी है अब देखिए यहाँ रेट दे रखिए डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी इन किलोमीटर देखो फर्स्ट स्टेशन क्यों न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू माल कितना किलोमीटर है न्यू मॉल फिफ्टी सेवन किलोमीटर और रुपीज़ देखते हैं टिकते बारह रुपये और पचास पैसे फिर है न्यू जलपाईगुड़ी से अलीमपुरदार वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव किलोमीटर दूर है यहाँ से लेके यहाँ कितना दूर है वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव किलोमीटर और रुपये लगते हैं टिकट के ट्वेंटी एट उसके बाद है न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा कितने किलोमीटर दूर है थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स और रुपये लगते हैं फोटी नाइन रुपीज़ एंड फिफ़्टी और न्यू जलपाईगुड़ी से लेके गुवाहाटी तक डिस्टेंस है फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव किलोमीटर और पैसे लगते हैं टिकट के सिक्सटी टू रुपीज़ एंड फिफ्टी ठीक है अब इसको देखना हो नीचे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइन द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जल न्यू मॉल टू गुवाहाटी न्यू मॉल अब न्यू मॉल ये रहा दिखाई दे रहा है आप सबको वहाँ से लेके पूछा आपको कि गुवाहाटी तक कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेके कर यहाँ तक ठीक है तो देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ कितनी है फोर नाइन्टी फाइव है तो योर यहाँ से यहाँ इतना तो कम हो जाएगा तो फोर नाइन्टी फाइव किलोमीटर है उसमें से ये यह यहाँ की डिस्टेंस माइनस निकालो फिर यहाँ की यहाँ तक आ जाएगी तो माइनस निकाल देते हैं फिफ्टी सेवन किलोमीटर यहाँ फाइव है फाइव यहाँ सेवन से एक बोर्ड लिया फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन में सेवन गया एट बच गया या नाइन का एक तो बोर्ड ले लिया पीछे कितना एट बच गया एट फाइव का था, थ्री और यहाँ फोर का फोर तो फोर हंड्रेड थर्टी एट किलोमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस फोर हंड्रेड थर्टी एट किलोमीटर इसका आंसर आ गया फिर दूसरा है बिटवीन न्यू माल टू गोलपाड़ा अब न्यू माल से देखना है ये न्यू माल रहा और ये गोलपाड़ा इनसे बीच में कितनी डिस्टेंस है तो ये वाली ये कम कर लो तो थ्री इसको क्या करोगे ये इसकी यहाँ कितने थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स है थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स को माइनस निकाल दो फिफ्टी सेवन किलोमीटर इससे बोरो लिया सिक्सटीन हो गया सिक्सटीन में सेवन गए पीछे नाइन बच गया यहाँ एक तो बोरो ले लिया पीछे सिक्स में से फाइव का फाइव जीरो और थ्री का तो थ्री हंड्रेड नाइन किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी ये फोर थर्टी एट था ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड नाइन किलोमीटर पीछे किलोमीटर लिखना है किलोमीटर इन शॉर्ट फॉर्म पर मत मतलब किलोमीटर फिर है फ्रॉम अलीपुर द्वार टू गुवाहाटी ये रहा अलीपुर द्वार टू गोवाटी देखना है तो देखिए वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव पे यहाँ है फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव तो फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव में से वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव माइनस निकल दो आंसर आ जाएगा किलोमीटर जीरो नाइन में सेवन गेट टू और वन गेट फोर में सेवन गेट थ्री बच गया तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर उसके बाद नेक्स्ट है बिटवीन न्यू माल टू अलपुर ये न्यू माल है इससे बीच यहाँ तक कितना है तो माइनस निकाल लीजिए वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव में से फिफ्टी सेवन इसे यहाँ ले लिया फिफ्टीन में सेवन गया एट बच गया उसके बाद यहाँ पे सिक्स में से फाइव गया वन बच गया और वन का वन तो कितने डिस्टेंस हो गई वन हंड्रेड एटीन किलोमीटर एक सौ अठारह किलोमीटर हो गई इन दोनों की डिस्टेंस उसके बाद है फ्रॉम गोलपाई गोलपाड़ा टू गुवाहाटी तो गोलपाड़ा कितना थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स है और यहाँ फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव में से थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स माइनस निकाल दीजिए इससे बोल लिया फिफ्टीन फिफ्टीन में से सिक्स गया पीछे बच गया नाइन एट में से सिक्स गया टू और थ्री फोर में से थ्री गया वन तो वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन किलोमीटर तो ये हो गया तो इस सारों की डिस्टेंस आगे देखो फ्रॉम न्यू माल टू गुवाहाटी फोर हंड्रेड थर्टी एट किलोमीटर बिटवीन न्यू माल टू गोलबाड़ा थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन है कितना है ये माइनस निकाल कर देख लेंगे ठीक है थ्री हंड्रेड नाइन सॉरी उसके बाद फ्रॉम अलीपुर द्वार टू गुवाहाटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर फिर बिटवीन न्यू माल टू अलीद्वारपुर

हलिद्वारपुर द कॉस्ट ऑफ द टिकट अब कहां से जा रहा है न्यू जलपाईगुड़ी कहां से जा रहा है एक मिनट यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी से हलिद्वारपुर गा रहा है तो ये न्यू जलपाईगुड़ी है वहां से हलिद्वारपुर जाने का कितना है ट्वेंटी एट रुपीज ठीक है ये न्यू जलपाड़ यहां से स्टार्ट होता है और यहां हलिद्वारपुर जाना वन हंड्रेड से तो कितने रुपए लगेंगे ट्वेंटी एट रुपीज़ आप लिख दोगे इसका आंसर ट्वेंटी एट रुपीज़ हो गया और पैसा हो गया जीरो ज़ीरो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा हैज़ गोइंग टू हैज टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपाड़ा हाउ मस्ट दिपी के टिकट न्यू जलपाईगुड़ी है वहाँ से कहाँ जाना है गोलपाड़ा तो इसका आंसर आ जाएगा फोटी नाइन रुपीज़ एंड फिफ्टी पे ठीक है इसमें ज़्यादा सा देखना फिर है सी वाला क्वेश्चन देखते हैं ये थोड़ा अच्छा है देवू सोमा एंड गोविंद आर गोइंग टू न्यूज टू न्यू मॉल वाट अमाउंट विल द पे फॉर द टिकट वो तीनों जा रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल तीन टिकट चार हैं न्यू माल एक टिकट के बारह रुपये पचास पैसे लगते हैं तो थ्री के कितने लेंगे तो इसका आंसर अपन सीधा मैं ऊपर कर रहा हूँ वन के लगते हैं ट्वेल्व रुपीज एंड फिफ्टी पैसे तो थ्री लेना तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए देखो मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस डॉट को भूल जाना है फिर देखो जीरो थ्री फाइव फिफ्टीन का फाइव के जी का वन थ्री टू जो सिक्स सिक्स और वन के जी का सेवन थ्री एकम थ्री अब देखो कितने नंबर के बाद वन और टू तो वन और टू के बाद तो तीनों के कितने रुपए लगे थर्टी सेवन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा तो सी का आंसर हो जाएगा थर्टी सेवन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा अब उसके बाद क्या लिखा दे गिव ऑफ आर गिव ए आर एस फिफ्टीन नोट टू द टिकट्स हाउ मन मनी विल द गेट बैक अब उसने कितने रुपए का नोट दिया पचास रुपए का इतने तो टिकट का काटने का वापस कितने देगा तो माइनस निकाल लेते हैं फिफ्टीन है पैसा इधर जीरो जीरो है इधर है थर्टी सेवन रुपीज़ लगे और पैसा कितना लगा फिफ्टी पैसा माइनस निकालते हैं एकदम ईजी आंसर इधर नीचे लिख रहा हूँ मैं जीरो में से जीरो गया इसको इरेज कर देता हूँ जीरो बच गया या जीरो या फाइव पे इससे यहाँ लिया या टेन में ऐसे बोर लिया टेन में से फाइव गया फाइव बच गया फिफ्टी पैसा हो गया या टेन था एक तो बोलो लिया नाइन नाइन में से सेवन गया टू रुपीज़ बच गया यहाँ पे कितना था फाइव था एक तो बोर ले लिया पीछे फोर बच फोर में से थ्री गया पीछे बच गया वन तो लेफ्ट बच जाएंगे टूपीज एंड फिफ्टी पैसा तो इसका आंसर आ जाएगा ट्वेल्व रुपीज एंड फिफ्टी पैसा उसको टिकट कलेक्टर वो वापस देगा ठीक है इस टाइप से अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंजॉय के साथ इस टाइप से अपने को इस चैप्टर का कंप्लीट करना है थैंक यू वेरी मच वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है पैसों का एक चीज आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि रुपीज का जो सिंबल है नया सिंबल वो इस टाइप का इस टाइप से रुपीज का नया सिंबल क्या है ये सिंबल है ठीक है ना इस सिंबल को अच्छी तरह से रुपीज का कोई सिंबल देते हैं तो इस टाइप से होता है रुपीज का सिंबल थैंक यू